हेलो क्लास, टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना होगा कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ऑब्जेक्ट कब ऑप्टिकल एक्टिव होगा? जब वो कायरल हो। और कायरल कब होगा? जब उसमें डिससिमिट्री प्रेजेंट हो, यानी किसी भी टाइप की सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिससिमिट्री। यानी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल करनी है वो ये है कि मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफर्स अ सिंपल डिवाइस टू डिसाइड वेदर अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इज कायरल और नॉट। दैट मीन्स वेदर इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज और नॉट। कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, यानी कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं। व्हेन मॉलिक्यूल हैज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या है? इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मींस कि वो अपने मिरर इमेज पे किसी न किसी तरीके से सुपर इम्पोज कर जाएगा और वो एक कायरल मॉलिक्यूल कंसिडर होगा। दैट मींस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन सिमेट्रिकल इफ इट डज नॉट पजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल तभी नॉन सिमेट्रिकल होगा जब उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। जनरली ये जो सिमेट्री होती है उनको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सो फर्स्ट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस और सिग्मा। एस और सिग्मा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट वन हाफ इज मिरर इमेज टू द अदर हाफ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल से एक इमेजिनरी लाइन, इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन पास करें कि वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और ये जो दो इक्वल हाफ है अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दैट मीन्स कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, दैट मींस कि वो जो उस जिस मॉलिक्यूल को उसने दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, दैट मींस कि मॉलिक्यूल जो है वो एकायरल होगा, एकायरल मॉलिक्यूल होगा। इफ अ मॉलिक्यूल दैट डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री is usually chiral. अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो chiral होगा। That means it cannot be superimposed on its mirror image. तो हम क्या समराइज कर सकते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन पास करें जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें, एंड टू हाफ्स If two halves are mirror image to each other and superimposed on each other, that means this molecule has plane of symmetry and it is optically inactive. वो optically inactive होगा। ये plane of symmetry जो है वो atoms के through भी pass हो सकती है और between the atom भी pass हो सकती है। ठीक है, यानी हम atom के बीच से भी imaginary line pass कर सकते हैं और एटम के थ्रू भी आप इमेजिनरी लाइन पास कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक और एक एग्जांपल ले हम, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, सपोज ये एग्जांपल है।
CH3 OH H। ठीक है, अब इससे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें थ्रू दी एटम्स, मान लो इस थ्रू दी एटम्स हमने एक इमेजिनरी लाइन पास की। इस इमेजिनरी लाइन पास करने के बाद अब आप देखोगे कि ये जो इमेजिनरी लाइन है इसे ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, एंड बोथ आर मिरर इमेज एंड सुपर इम्पोजिबल। दैट मीन्स कि ये आपका एक काइरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, COOH CH3 OH H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। अब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें थ्रू द एटम तो क्या होगा कि अब जब हम इसमें थ्रू द एटम एक इमेजिनरी लाइन पास कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बट नीचे की तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप। दैट मींस कि दे आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पॉसिबल। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, काइरल मॉलिक्यूल है, काइरल मॉलिक्यूल एंड ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, और इस प्लेन को हम सिग्मा प्लेन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी प्लेन ऑफ सिमिट्री को जो लाइन आप क्रॉस कर रहे हो उसे हम सिग्मा प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट मींस कि ये आपका काइरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। नाउ नेक्स्ट इज अ सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री को हम इनवर्स सेंटर ऑफ इनवर्जन से भी डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई और सी आई। सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ सिमिट्री इज डिफाइंड एज अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल्स सच दैट इफ एन एटम इज ज्वाइंड टू इट बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इफ एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड इट इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स एन इक्विवेलेंट एटम। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज मान लो ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर्स में हम एक डॉट, सेंटर में एक हम डॉट लगा दें और इस सेंटर से अगर हम एक लाइन पास करें और उसको दोनों डायरेक्शन में हम एक्सट्रापोलेट करें। ठीक है, अगर ये लाइन दोनों डायरेक्शन में एक आइडेंटिकल एटम को जाकर के मैच करे, ठीक है, मतलब सेंटर से हमने एक लाइन पास किया और ये लाइन को जब आप आगे एक्सटेंड करते हो तो दोनों एंड पे अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स को वो मैच करता है या मैच करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स A molecule is said to have center of symmetry if any line drawn from the center of the molecule meets identical atom at equal distance from the center. जैसे कि स्ट्रक्चर में है, हमने इस सेंटर से लाइन को पास किया तो ये एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एंड पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैच कर रहा है। ठीक है, तो दैट मींस कि इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक एंड पे CH3 ग्रुप है, दूसरे एंड पे भी CH3 ग्रुप है और जब आप सेंटर से लाइन को पास करते हो तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप को मीट करता है, मैच करता है। दैट मींस कि इस साइक्लिक कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें लाइक सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। तो सो हॉर्स प्रोजेक्शन हम कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा सो हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है,
और अगर हम इसके सेंटर में हमने एक डॉट लगा दिया, अब इसके सेंटर से हम एक ऐसी लाइन क्रॉस करें जो कि आइडेंटिकल एटम को मैच करे, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज वी हैव सी सी एच थ्री एच सी ओ एन एच सी एन एच सी ओ एच सी एच थ्री। सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके सेंटर से हम एक लाइन को पास करें, ये बीच में हमने एक डॉट लगा दिया सेंटर में। अब आप इसके सेंटर से इस तरह से एक लाइन पास करो कि वो आइडेंटिकल ग्रुप्स को मैच करें। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से करूं, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये एक एंड पे CH3 दूसरे एंड पे भी CH3 को मैच कर रहा है, इसी तरह से NH NH को मैच कर रहा है। आप इस हाइड्रोजन को भी मैच कर सकते हो इस तरह से। दैट मींस कि इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर जैसे मैंने आपको शोहर्स प्रोजेक्शन बनाया, सोहर्स प्रोजेक्शन में अगर हम इथेन की जगह कोई और स्ट्रक्चर ले लें, मान लो मैंने यहाँ पे एक OH ग्रुप ले लिया, यहाँ पे H ले लिया और यहाँ CH3 ले लिया, ठीक है, और दूसरे में भी हम इसी तरह से करें, यहाँ हमने CH3 ले लिया, ठीक है, यहाँ आपने OH ले लिया और यहाँ पे H ले लिया, और अब आप इनके में सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करना चाहते हो तो सेंटर में एक आप डॉट लगाओ और सेम आइडेंटिकल ग्रुप को इस सेंटर से पास होती हुई लाइन इस तरह से निकले कि दो आइडेंटिकल ग्रुप को मैच करे। दैट मींस कि इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ये सारे क्या हैं, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट मींस कि होल मॉलिक्यूल्स आर ए काइरल, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आप अगर ये देखें, जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये तो आपका कायरल कंपाउंड है ही नहीं, क्योंकि कायरल कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ये कार्बन को, तो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, एच ओ एच सी एच थ्री और चौथा ग्रुप कौन सा है हमारा, ये पूरा ग्रुप आपका होल ग्रुप जो है वो फोर्थ ग्रुप है। दैट मीन्स कि ये कार्बन जो है हमारा कायरल कार्बन है। सिमिलरली ये कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन होने के बाद भी क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ
एक्सिस ऑफ सिमिट्री। एक्सिस ऑफ सिमिट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एन। सी एन का मतलब क्या है? सी एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन और फोल्ड ऑफ रोटेशन। फोल्ड नंबर ऑफ फोल्ड और फोल्ड ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से एक लाइन पास करें या एक एक्सिस की तरह, जिस तरह से आपका साइक्लिक कंपाउंड है या जो आपकी हमारी जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे रोटेट करती है, उसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल के सेंटर से एक लाइन पास करें जस्ट लाइक अ एक्सिस, और उस लाइन के थ्रू आप अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो एक पर्टिकुलर एंगल से, तो जिस एंगल पे, अगर किसी एंगल पे आपका मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाए, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मींस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट व्हेन द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अबाउट इट बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री अपॉन एन, एन अरेंजमेंट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल इज ऑब्टेन्ड। मतलब कि अगर हम मॉलिक्यूल के सेंटर से या मॉलिक्यूल से एक ऐसी लाइन को क्रॉस करें और उस लाइन के थ्रू एज अ एक्सिस अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करें, और जिस एंगल पे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का मतलब अगर हम इसे एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है, अगर वो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर का जस्ट आइडेंटिकल हो, यानी जस्ट मिरर इमेज हो या उसके जस्ट आइडेंटिकल हो, जिसे आप डिस्टिंग्विश ना कर सको, दैट मींस कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। इसमें एक अब साइक्लिक कंपाउंड है, हमने यहाँ पे बीच से सेंटर से एक लाइन पास किया है और इसे हम 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप इसे 180 डिग्री से रोटेट करोगे, सपोज मान लो इस मिथाइल ग्रुप को मैंने 1 नंबर दिया है और इसे हमने 2 नंबर दिया। जब आप इसे 180 डिग्री से रोटेट करोगे, तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या होगा कि ये जो 1 है इसकी पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी? 2 की जगह पे। और 2 की पोजीशन कहाँ पे चली गई? 1 की जगह पे। यानी इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, बट 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिला, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट आइडेंटिकल है किसके? प्रीवियस वन के, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? मतलब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, तो आप इसे लिखोगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, दैट मीन्स 2। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम 2 टाइम्स रोटेट करें, 2 टाइम्स ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें जस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो सच एन एक्सिस इज कॉल्ड एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे गिवन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड सी सी एल एच सी एल एच। ठीक है, अब इसे अगर मैं इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करती हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक अ एक्सिस, और इसे मैं 180 डिग्री, इस मॉलिक्यूल को भी 180 डिग्री हम रोटेट करें, रोटेशन अबाउट 180 डिग्री। तो जब आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे, सपोज ये हमारा फर्स्ट क्लोरीन है और ये सेकेंड नंबर क्लोरीन है, जब आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा कि जो सेकेंड है नंबर का क्लोरीन है वो इस पोजीशन पे आएगा और फर्स्ट नंबर वाला क्लोरीन इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें मिला, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? क्योंकि दोनों साइड क्लोरीन है, यानी जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर आया वो स्ट्रक्चर जस्ट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस वन।
जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था उसके जस्ट आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हमने 180 डिग्री रोटेट किया है, तो आप इसका जब फोल्ड ऑफ एक्सिस निकालोगे तो 360 बाई 180 करेंगे तो क्या आएगा 2। दैट मीन्स कि ये सी एन इज इक्वल टू क्या आया 2, यानी कि 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। मतलब इस मॉलिक्यूल को हम 2 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं, यानी 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा वो जस्ट आइडेंटिकल होगा किसके, जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसके। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अगर एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 180 डिग्री ही रोटेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट 180 डिग्री रोटेट करें, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे 180 डिग्री डायरेक्ट दिखा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको आप 90-90 डिग्री रोटेट करके चेक करो। सपोज मान लो हमने पहले इसको 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आया वो इसका मिरर इमेज या आइडेंटिकल नहीं है। फिर हमने 90 डिग्री और रोटेट किया, 90 डिग्री और रोटेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आया जस्ट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस वन। इसका मतलब क्या है, 90 प्लस 90 जब हमने रोटेट किया यानी 180 डिग्री रोटेट किया तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया पहले वाले स्ट्रक्चर से। दैट मीन्स कि अब ये 180 डिग्री पे हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला, इसका मतलब 360 बाई 180 करेंगे और ये जो 2 आया इसका मतलब इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी ये 2 टाइम्स 360 180 2 टाइम्स अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री